जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार यादव है। सर, आज आपको किस पद पर नियुक्त किया गया है? मुझे जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, सर क्या कहना चाहेंगे आप अपने संस्था के बारे में? संस्था के बारे में ये कहना चाहूंगा कि पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, बहुत मेहनत से, और संस्था के साथ हर समय खड़ा रहूंगा। सर, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम गुड्डू भाई है। मैं ऑल इंडिया क्राइम कंट्रोल एसोसिएशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, प्रोग्राम क्या हो रहा था यहाँ पे आज? आज हमारे कार्यालय पे हमने मुरादाबाद जिले में जी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इनकी ज्वाइनिंग की है। अच्छा, हमारे जो जिला अध्यक्ष है वो जिशान आलम साहब है, जो मुरादाबाद जिले के जिला अध्यक्ष है, और जो हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं जी उनका नाम मोहम्मद शाकिब है, और हमारे जिला सचिव राजीव कुमार यादव जी। आज इन तीनों को ही हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। अच्छा, और तीनों को ही हमने अपने मंच में नियुक्तियां दी हैं। हम आशा करते हैं इन तीनों से जो हमारे एनजीओ या हमारी संस्था का जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, ये उस पर अच्छे से काम करें, एक कैदी मुक्त समाज बनाने में हमारी सहायता करेंगे, संगठन की सहायता करेंगे, समाज के अंदर हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे, साथ में ही बाल अपराध, महिला उत्पीड़न, मानव अधिकारों का हनन, इन जैसी प्रतिक्रियाओं पर नजर रखेंगे, और जहां भी इन्हें कोई भी अपराध होता हुआ नजर आए जी, और जहां भी कोई अपराध हो रहा हो उसके खिलाफ बेखौफ इन्हें आवाज उठानी है। हमारा संगठन पीछे कई वर्षों से ये काम कंटिन्यू करता आया है, गरीबों की मदद करना, बेसहारों का सहारा बनना, जो गरीब अचार है उन पर अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ मिलकर उनकी आवाज को उठाना, अधिकारियों तक पहुंचाना, राजनेताओं तक पहुंचाना, ये हमारे संगठन का कार्य रहता है। और मैं इन सभी लोगों से ये आशा करता हूँ कि अपने संगठन के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति पूरी निष्ठा और पूरे सच्चे मन से ये कार्य करेंगे और संगठन और देश को अच्छा बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और पूरे मन से ये काम करेंगे। जी सर, तो आप पहले कौन बनाना चाहेंगे? मैं इसे रोक दूंगी। जी सर, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम है निशान आलम। सर, आपको किस पद पर नियुक्त किया गया है? मुझे मुरादाबाद से जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अच्छा सर, इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि इस पद पर नियुक्त होने के बाद मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और इस संस्था को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी पूरी मेहनत से काम करूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।